नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पेन गैस्ट्राइटिस के विषय में। पेन गैस्ट्राइटिस, जिसको टोटल गैस्ट्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है, यह गैस्ट्राइटिस क्यों ज्यादा खतरनाक होती है, कैसे यह गैस्ट्राइटिस अगर समय पर ठीक नहीं करी गई तो ये आपके पाचन तंत्र के साथ साथ आपके पूरे शरीर में कई सारी बीमारियां कराने का काम कर सकती है, जिसको एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाएगा, जैसे एनीमिया है, जैसे B12 की कमी की वजह से एकदम से बालों का झड़ना है। एक प्रॉब्लम और होती है जिसमें थॉट प्रोसेसिंग जो है वो बहुत खराब होना चालू हो जाती है, फोकस डिसऑरियंटेशन जो है, मन एक जगह नहीं लगेगा, बार 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 करके इधर से उधर उधर से इधर होने का मन करना चालू कर जाएगा। ये जो पेन गैस्ट्राइटिस है, इसके कॉम्प्लिकेशंस में कुछ बीमारियां आती हैं, इसलिए इस पेन गैस्ट्राइटिस को समय से ठीक कर लिया जाए ये बहुत आवश्यक होता है। और ये क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं इसके होने के, किस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने एंडोस्कोपी की रिपोर्ट कराई है तो प्लीज एंडोस्कोपी की रिपोर्ट को निकाल लीजिए। इंप्रेशन में आप देखें कि पेन गैस्ट्राइटिस में किस टाइप की पेन गैस्ट्राइटिस आपको है, यह आपको सारा यहां समझाया जाएगा। अच्छे तरीके से समझिए और फिर कोशिश करेंगे कि इसको जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, ये पूरा समझने का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस बनाए जाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पेन गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है, जैसे हम सभी जानते हैं, पेन का मतलब होता है पूरा, पेन का मतलब पूरा या पूरे। जैसे अभी कोरोना जो हुआ था, कहा जा रहा था पेन वर्ल्ड है, पेन वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में है। ऐसे ही जब ये पेन गैस्ट्राइटिस हो रही है तो पेन का मतलब पूरे और गैस्टर का मतलब आमाशय और आइटिस का मतलब सूजन। तो पूरे आमाशय में सूजन, पूरे आमाशय में सूजन। अब ये आइटिस जो है इसको अकेली सूजन से नहीं देखते हैं, सूजन एक है, ऐसे इसके 5 साइन होते हैं। कौन से हैं? सूजन, लालामी, दर्द, गर्मी और लॉस ऑफ फंक्शंस। ये 5 साइन जहां मिलते हैं, ये 5 लक्षण जहां मिलते हैं, वहां हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं और इन्फ्लेमेशन को आइटिस से डिनोट किया जाता है। तो पेन मतलब पूरे, गैस्टर मतलब आमाशय और आइटिस मतलब ये पूरे के पूरे लक्षण जहां मिले इस जगह को, तब ये पूरी बीमारी मिलकर के नाम हो जाता है पेन गैस्टर आइटिस, और मिलाकर के बोल दिया जाता है पेन गैस्ट्राइटिस। ठीक है, इस पेन गैस्ट्राइटिस को टोटल गैस्ट्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है। टोटल गैस्ट्राइटिस मतलब पूरे के पूरे आमाशय में इन्फ्लेमेटरी साइन, टोटल मतलब पेन। ठीक है, तो यहां आइदर पेन गैस्ट्राइटिस और टोटल गैस्ट्राइटिस के नाम से इस बीमारी को डिनोट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस बीमारी के टाइप्स कितने हैं। तो सामान्य तौर पर 2 तरीके से इस बीमारी को विभाजित किया जाता है। पहला विभाजन जो है वो ड्यूरेशन के आधार पर किया जाता है कि बीमारी कितने लंबे समय से आपके शरीर में है। तो अगर बीमारी लंबे समय से नहीं है, कुछ समय पहले ही बीमारी अगर आई है, तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन मतलब समय के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्यूट, एक्यूट का मतलब लगभग लगभग बीमारी को 1 या 2 सप्ताह हुआ है। दूसरा होता है सब एक्यूट, मतलब लगभग लगभग 3 सप्ताह से 4 सप्ताह पुरानी बीमारी हो गई है। और तीसरा होता है क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है लगभग 5 सप्ताह से ज्यादा पुरानी बीमारी। तो एक्यूट पेन गैस्ट्राइटिस,
सब एक्यूट पेनगैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक पेनगैस्ट्राइटिस, ये तीन प्रकार की गैस्ट्राइटिस होती है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अगर आप एक्यूट पेनगैस्ट्राइटिस को समय रहते ट्रीट कर देते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान सा है। आपको सिर्फ अल्केलाइन खाने का उपयोग करना है और इरिटेंट फूड से अपने आमाशय को बचाने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं जो खाने में तीखा है, जो आपके आमाशय में अंदर जाके जलन पैदा करेगा, अगर आप ऐसा नहीं खाएं, अल्केलाइन भोजन करें, तनाव से थोड़े समय तक बच जाएं, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको बंद कर दें, स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको बंद कर दें, अगर आपकी नींद बहुत खराब है तो बेसिकली अगर आप अपनी नींद को लाने के लिए, अच्छी नींद आए इसके लिए अच्छा व्यायाम करें, योग निद्रा का अभ्यास करें, रात को सोने के पहले गुनगुने पानी में पैर डालें और रात को सोने के पहले नाक में घी डालें, या फिर इंसोमनिया बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा एक वीडियो है, इंसोमनिया के कई प्रकार होते हैं, किस वजह से इंसोमनिया हुआ है, किस वजह से नींद में आपके गड़बड़ी आई है, वो वजह आपको खत्म करनी पड़ेगी तब नींद की गड़बड़ी ठीक होगी। और नींद की गड़बड़ी की वजह से अगर ये पेनगैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसमें आराम होना चालू हो जाएगा। अगर आपने, अब हम कारण में देखेंगे कि कितने कारण होते हैं अभी, ठीक है, टाइप्स में, तो एक्यूट पेनगैस्ट्राइटिस है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आराम हो जाएगा। अगर ये क्रॉनिक पेनगैस्ट्राइटिस में बदल जाए, मतलब लंबा समय हो गया है, ठीक नहीं हुआ, आपने अच्छे तरीके से फॉलो अप नहीं किया, तब डेफिनेटली इसको मैनेज करने में दिक्कतें आती हैं और क्रॉनिक पेनगैस्ट्राइटिस के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आना चालू हो जाते हैं। आगे हम वीडियो में उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे और उन कॉम्प्लिकेशंस को किस तरीके से खत्म किया जाएगा नेचुरली, ये भी बताएंगे, ठीक है। तो पहला टाइप होता है जो विभाजन है वो समय के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर आपने गैस्ट्राइटिस को डिवाइड किया। अब दूसरा जो ड्यूरेशन है, दूसरा जो टाइप है, दूसरे प्रकार से जो डिवीजन है पेनगैस्ट्राइटिस का, वो होता है कि आमाशय की जो अंदर की सतह है उस सतह पर किस तरीके का डैमेज हुआ है, उस डैमेज के आधार पर इस पेनगैस्ट्राइटिस को विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला विभाजन जो है वो सुपरफिशियल पेनगैस्ट्राइटिस है, अंदर की तरफ से। अंदर की तरफ से क्या, ये आमाशय है ऐसे, और ये जो अंदर की लेयर जो है जिसको म्यूकोसल लेयर बोला जाता है, इस म्यूकोसल लेयर पर सुपरफिशियल लेयर जो है अंदर से, उसमें अगर कोई इंफ्लेमेटरी साइन आए हैं पूरे के पूरे स्टमक में, तब बोला जाता है कि ये सुपरफिशियल पेनगैस्ट्राइटिस है। तो आपके जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है अंदर की, उसमें किस तरीके का डैमेज है, उसके बेस पर यहां तीन टाइप था बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, और यहां जो है पहला हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर का, ये अंदर अंदर की ऊपर ऊपर का जो डैमेज है, जैसे अगर यहां से इसको काट करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये वाली लेयर जो है ये सुपरफिशियल दिखाई देगी ऊपर, तो इसको बोला जाता है सुपरफिशियल पेनगैस्ट्राइटिस। दूसरा जो गैस्ट्राइटिस होता है इसी में, वो है एडिमेंटस पेनगैस्ट्राइटिस। एडिमेंटस पेनगैस्ट्राइटिस का क्या मतलब होगा कि यहां पेनगैस्ट्राइटिस तो है ही, लेकिन साथ में एडिमेंटस है, सूजन है, एडिमा है, जो अंदर की लेयर है उसमें एकदम से फुलावट आ गई है, सूजन आ गई है, इसको बोला जाता है एडिमेंटस पेनगैस्ट्राइटिस। एडिमेंटस के बाद एक टाइप होता है हीमोरेजिक पेनगैस्ट्राइटिस। हीमोरेजिक पेनगैस्ट्राइटिस जो है इसमें क्या होगा, एकदम से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है और इसको बोला जाता है हीमोरेजिक पेनगैस्ट्राइटिस। उसके बाद चौथे नंबर पर होता है इरोजिव पेनगैस्ट्राइटिस। इरोजिव पेनगैस्ट्राइटिस का मतलब है कि पूरे के पूरे आमाशय में यहां पर क्या है, इरोजन आए हुए हैं। अगर पूरे के पूरे आमाशय में इरोजन आए हुए हैं, एक तो सुपरफिशियल, मतलब सुपरफिशियल यहां पर सुपरफिशियल केवल इंफ्लेमेटरी साइन थे, दूसरे नंबर पर क्या था, एडिमा पूरे के पूरे, क्योंकि पेनगैस्ट्राइटिस तो है ही, पूरे के पूरे आमाशय में तो है ही, लेकिन एक में केवल इंफ्लेमेशन था, दूसरे में पूरे में सूजन है अंदर अंदर, तीसरे में पूरे में से ब्लीडिंग हो रही है अंदर अंदर,
चौथे में पूरे में ही एरोजन्स आए हुए हैं अंदर अंदर, और पांचवे में पूरे में ही अल्सरेटिव चेंजेस आ गए हैं, तो इसको अल्सरेटिव पेनगैस्ट्राइटिस बोला जा सकता है। अल्सरेटिव पेनगैस्ट्राइटिस या फिर पेनगैस्ट्राइटिस अल्सरस बोला जाता है इसको। तो ये जो टाइप है इसको अल्सरस भी अल्सरस पेनगैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। तो यहां मुझे लगता है प्रकार ये क्लियर हो गए अपने को कि जो भी एंडोस्कोपी में लिखा हुआ है इसमें से वो आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ये बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि कारण क्या होते हैं पेनगैस्ट्राइटिस होने के। तो पेनगैस्ट्राइटिस होने में सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपके जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसका सही समय से पूरे तरीके से नहीं बनना या फिर उसके बिगड़ने की दर का बढ़ जाना। तभी तो गैस्ट्रिक इरोजन हो रहे हैं, तभी तो वहां पर इंफ्लेमेटरी साइन आ रहा है। तो ये जो आमाशय की लेयर होती है अंदर की जिसको म्यूकोसल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसको म्यूकस लेयर बोला जाता है, जब वो म्यूकस लेयर धीरे धीरे करके डिजेनरेट होना चालू हो जाती है, जब इसके बनने की प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी आती है तब जाके पेनगैस्ट्राइटिस हो पाता है। तो पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण होता है आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो खुद इरिटेंट है या फिर जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ाने वाला है। तो या तो वो खाना खा रहे हैं आप, या फिर स्ट्रेस अपने आप में सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को बढ़ाने का काम करता है, या फिर गैस्ट्रिनोमा जिसको बोला जाता है, जहां से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटिंग सेल्स जो होती हैं वहां पर अगर मान लो कहीं कोई अबनॉर्मल चेंजेस आ गए हैं तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पेनगैस्ट्राइटिस के चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। एक दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण होता है आपका पायरोरिक स्फिंक्टर जो है, ये वाला जो स्फिंक्टर होता है ना, ये वाला, इस स्फिंक्टर की डिसफंक्शनिंग, अगर इस स्फिंक्टर की डिसफंक्शनिंग होगी तो फिर यहां से बाइल रिफ्लेक्स होना, ये यहां बाइल आ रहा होता है यहां से ऐसे करके पैनक्रियाटिक डक्ट से, और यहां से बाइल डक्ट से बाइल यहां जा रहा होता है। तो ये बाइल रिफ्लेक्स होना जब होता है तब ये पेनगैस्ट्राइटिस कराने का काम कर सकता है। तो एबनॉर्मल और डिसफंक्शनिंग ऑफ पायरोरिक स्फिंक्टर भी आपके लिए पेनगैस्ट्राइटिस कराने का कारण बनता है। इसलिए जिन लोगों में कोई अल्कोहल की आदत नहीं है, बहुत स्ट्रेस नहीं रहता है, लेकिन अगर उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं हो रहा है, पेट बहुत ज्यादा भारी रहता है, लंबे समय से कब्ज जिनको रहती है, ऐसे केस में अगर पेट बहुत ज्यादा फूला रहा, आंतों पे ज्यादा प्रेशर रहा, उसकी वजह से ये पायरोरिक स्फिंक्टर धीरे धीरे करके वीक होगा और इसकी वजह से इसकी डिसफंक्शनिंग होना चालू हो जाएगी। तो खाना आमाशय से आंत में आना चाहिए या आंत का खाना धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आमाशय में जाना चालू हो जाएगा, जिसको बाइल रिफ्लेक्स बोला जाता है। मैंने बाइल रिफ्लक्स का पूरा अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, बाइल रिफ्लक्स बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप पूरा देखेंगे समझेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, कारण क्या क्या है और उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो पेनगैस्ट्राइटिस कराने में एक रीजन वो भी माना जाता है। फिर एल्कोहल कंजम्पशन अगर बहुत ज्यादा है तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो पेनगैस्ट्राइटिस के लिए बड़ा रीजन है। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तो वो स्ट्रेस आपका पेनगैस्ट्राइटिस कराने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। साथ में अगर बहुत लंबे समय तक किसी ने उपवास कर दिया तो पेनगैस्ट्राइटिस हो जाता है, या फिर अगर किसी को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगी है उसकी वजह से भी पेनगैस्ट्राइटिस होने के खतरे रहते हैं। तो आपको ये कारण है। इन कारणों के अलावा अब हम देखें कि पेनगैस्ट्राइटिस में बेसिकली लक्षण क्या क्या आते हैं। तो लक्षणों में सबसे बड़ा लक्षण होता है पेट में दर्द। फिर डिपेंड करेगा लक्षण कैसे हैं, जो टाइप्स हैं टाइप्स के हिसाब से लक्षण आएंगे। अगर मान लो इरोजिव पेनगैस्ट्राइटिस है तो हो सकता है लैटिन काली आना चालू हो जाए। अगर मान लो हिमोरेजिक पेनगैस्ट्राइटिस है तो लैटिन का कलर और ज्यादा काला हो सकता है। अगर मान लो पूरे तरीके से सुपरफिशियल पेनगैस्ट्राइटिस है तो उसमें पेट में भारीपन रहेगा, खाना खाते ही पेट फूलना चालू हो जाएगा। अब ये तो हो गए कि जो कॉम्प्लिकेशन है, जो आपके टाइप्स के हिसाब से लक्षण जो आएंगे कि किस तरीके की पेनगैस्ट्राइटिस है उसके हिसाब से लक्षण। अब जो जनरल लक्षण, जनरल सिम्टम्स जो होते हैं, जनरल वीकनेस, आपके B12 की कमी, अनीमिया बहुत लंबे समय से,
बालों का झड़ना, कमजोरी रहना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन बढ़ते जाना, वजन का कम होना, ये सारे के सारे लक्षण आपके पैनगैस्ट्राइटिस में आपको मिलेंगे। अब हम देखें कि ये पैनगैस्ट्राइटिस में लक्षण आ रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैनगैस्ट्राइटिस क्या है। हमने पहले बताया था कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन में अनिमिया एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है पैनगैस्ट्राइटिस का। अनिमिया के साथ में आप देखते हैं कि जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स मान लिया जाता है जिनको, वो एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स माने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक पैनगैस्ट्राइटिक डिसऑर्डर्स जिनको बोला जाता है, जिसमें आपका डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस हो सकता है, थॉट प्रोसेसिंग का बिगड़ना हो सकता है, बहुत सारी चीजें और जो आपके थॉट प्रोसेस के साथ में चलती हैं उनमें बिगड़ाव हो सकते हैं। साथ में ये एक तरीके से बहुत कमजोर करेगा शरीर को, शरीर कमजोर होगा, कार्य क्षमताएं कमजोर पड़ेंगी शरीर की, तो ये बॉडी जो है वो हर तरफ से कमजोर होगी। तो डेफिनेटली सेक्सुअल वीकनेस भी इस समस्या के साथ में जुड़ा हुआ मुद्दा माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी समस्या हो रही है, इसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी फैमिली लाइफ में भी आ रही है, हमको सेक्सुअली भी काफी कमजोरी लग रही है। तो अगर ऐसा है तो वो एक बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में आएगा जो आपका एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक, जैसे हमने पहले गैस्ट्राइटिस का भी टॉपिक लिया था तब बताया था, एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस जो होती है दो प्रकार की, एक तो गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस, कि जिसमें आमाशय से अलग वाले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो ऐसे ही यहां पर पूरे आमाशय से अलग वाले सिम्टम्स जो हैं वो पूरे शरीर की कमजोरी, बालों का झड़ना, आंखों का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन आना, ये सब इस पैनगैस्ट्राइटिस की वजह से आपके शरीर में आएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस का आप ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे और साथ में इस पैनगैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम पार्ट टू में लेंगे इसको, पैनगैस्ट्राइटिस पार्ट टू में, कि पैनगैस्ट्राइटिस के कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए और पैनगैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। ये पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पार्ट टू, जिन लोगों को ये पूरा पैनगैस्ट्राइटिस समझ में आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो जल्दी से जल्दी पार्ट टू आपका बना करके अपलोड किया जाएगा। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।